थिएटरों में पुराने जमाने की फिल्में फिर से दिखाई देने लगी है, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हो। इसी बीच तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की फिल्म लैला मजनू भी पर्दे पर लौटी है। ये फिल्म 2018 में आई थी, लेकिन तब लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, दर्शक भी इस पर फिदा हो रहे हैं। 6 साल पहले जो फिल्म लोगों को भूली बिसरी सी लग रही थी, आज वो कमाई के मामले में 3 गुना आगे निकल गई। 9 अगस्त 2024 को लैला मजनू को रिलीज किया गया। लगभग 1.5 महीने में फिल्म ने 9 करोड़ रुपए कमा लिए। 2018 में फ्लॉप हुई ये फिल्म अब दर्शकों की पहली पसंद बन गई है। अब ये फिल्म 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। इम्तियाज अली और साजिद अली की इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अच्छा सिनेमा कभी फ्लॉप नहीं होता। लैला मजनू बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही है। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही 25 लाख रुपए कमाए। अब तक फिल्म ने अपने ओरिजिनल कमाई से दोगुना से भी ज्यादा कमा लिया है। रॉक स्टार की 10 करोड़ रुपए की कमाई को भी ये फिल्म पीछे छोड़ने की राह पर है। आंकड़े तो खुद बोल रहे हैं कि दर्शकों को ये फिल्म कितनी पसंद आ रही है। लैला मजनू का नाम सुनते ही प्यारी सी लव स्टोरी की याद आ जाती है, जिसमें प्यार के रास्ते में आने वाली समाज के मुश्किलों का भी जिक्र होता है। इस फिल्म में तृप्ति डिमरी ने लैला का किरदार निभाया है, जबकि अविनाश तिवारी कैश भट्ट के रोल में दिखे हैं। दिलचस्प बात यह है कि तृप्ति की ये पहली फिल्म थी बतौर लीड एक्ट्रेस। हालांकि उन्होंने 2017 में आई थ्रिलर फिल्म मॉम से अपनी फिल्म सफर की शुरुआत की थी, लेकिन उस वक्त वो लीड रोल में नहीं थी। उसके बाद आई बुलबुल और कला, जिनमें उनके एक्टिंग को जमकर सराहा गया। आपको बता दें कि पिछले साल तृप्ति डिमरी रणवीर कपूर के साथ एनिमल में भी नजर आई थी और उनके दमदार सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी मिला था। और अब इस साल दिवाली पर तृप्ति भूलभुलैया 3 में भी धमाल मचाने आ रही है, जिसमें उनके साथ कार्तिक आर्यन भी नजर आएंगे। ऐसी ही मूवी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।